यहाँ का जो माहौल है कैसा है? बहुत खराब माहौल है, आप देख सकते हैं। पूरा गांव तुपकना पार्ट वन जो हमारा है, पूरा गांव डूब चुका है। ये एनडी बांध जो अभी क्रॉसिंग हो रहा है, बोराक का जो पानी है वो लेवल क्रॉसिंग कर रहा है, तो बोरा देके ये हमारा अभी पानी को रुक रहा है। हम तो ये जो एनडी का बांध है, इस बांध को बहुत जल्दी से, मतलब उसको सुरक्षा के लिए बोरी चाहिए, नहीं तो ये बांध अगर टूट जाए तो ISBT आर्मी BSA पूरा रामनगर डूब जाएगा। कुल कितने परिवार यहाँ पर प्रभावित हुए? 10,000 टोटल। इस बांध का मरम्मत कार्य पिछले कई वर्षों में किया गया या फिर? जी नहीं, पिछले 20 साल से ये इन बांध का कोई मरम्मत नहीं हुआ है। इसलिए ये देखिए, ये टूट गया था पिछले बार में, ये टूट गया था, पूरा टूट गया था। तो डिपार्टमेंट को हमने रिक्वेस्ट किया तो बोरा देके इसको हम लोग ने प्रोटेस्ट किया हुआ है। हमने भी मेहनत किया, डिपार्टमेंट ने भी हम लोग के साथ सहायता किया इसके लिए, मतलब ये हुआ है। अभी तक ये बांध टिका हुआ है, नहीं तो ये बांध कब से टूट जाता। करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर करीब 24 से भी ज़्यादा बांध हमने देखा जहाँ पर मरम्मत किया गया। ऐसे नाजुक हालात का ब्यौरा क्या पहले बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास नहीं था? जरूर था, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। उन लोग अगर ध्यान देते तो आज ये हमारा सिलचर बराक बेली में इतना नहीं होता। जगह जगह पे लोगों ने बांध काट दिया, डिपार्टमेंट सो रहा था, जगह जगह बांध के ऊपर बांध को कब्जा करके दुकान बनाया गया, इस पूरा बांध कलप्स हो गया। डिपार्टमेंट का पूरा जिम्मेदारी है, ये डिपार्टमेंट को, मतलब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को पूरा अपने जिम्मेदारी में ले, और डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर लोग हैं जो अपने काम में पूरा चुस्त नहीं रहे, उनको थोड़ा चुस्त कीजिए और नया नया अपॉइंटमेंट दीजिए। डिपार्टमेंट के जो जितने भी खाली पद है उनको भर्ती के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ CM साहब को। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मोहम्मद नईमुद्दीन लश्कर। শোচনীয় অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি, একদিকে সুইচ গেট আছে, তার মধ্যে এখানে রিপেয়ারিং চলছে, তো কেমন করে আপনার সময় কাটাচ্ছে? এইটা আমাদের তুপকানা প্রথম খণ্ড, এইটা তুপকানা প্রথম খণ্ডের মেইন বাঁধ। এইটা দিয়ে জল এমনভাবে বাড়ছে যেভাবে এই বাঁধের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা নিজের লোক লাগিয়ে, আমরা সবাই মিলে, আমাদের স্থানীয় এখানের লোক মিলে, আমরা লেবার লাগিয়ে বড়ি দিয়ে এইটা ফিল আপ করছি, যাতে জলটা ওই দিকে না যায়। এইদিকে জলটা গেলে অনেক ক্ষতি হবে, এইদিকে অনেক গ্রাম, পুরা শিলচর শহরেও জল ডুববে, এইদিকে রামনগর ISBT BSF আর্মি সব জলের মধ্যে ডুবে যাবে। এর জন্য আমরা এটা মেরামতি করছি, আমরা চাই ডিপার্টমেন্ট বা জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে এইটা আমাদেরকে একটু সাহায্য করার জন্য, যাতে বানটা টিকে রাখার জন্য। সাহায্য সুবিধা পেয়েছেন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কাছ থেকে? সাহায্য সুবিধা তো অনেক পেয়েছি, কিন্তু যেটা সাহায্য করেছে এটা থেকে আরও সাহায্যের দরকার, কারণ আমরা গ্রামবাসী অনেকেই বাঁধে প্রোডাকশন দিচ্ছি, এখানে রাত্রে পর্যন্ত, রাত্রে অবধি আমরা এখানে মাইনে বাঁধটা দেখে নিচ্ছি, যে অনেকে চেষ্টা নিচ্ছে বাঁধটা ভাঙার জন্য, কিন্তু এই প্রোডাকশনের জন্য আমরা অনেক লোক আছি এখানে, নিজে মেরামত করে বাঁধটা ফিল আপ করছি।